आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता बापू के प्रति के 5वें पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं, पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। उर माने हृदय, उर माने हृदय के सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों को साथ लेंगे उर के, तो हो जाएगा हृदय के, ठीक है, हृदय के। चरखे, देखिए चरखा एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे धागा बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का, तो ये चरखा है। ध्यान दीजिएगा, कवि यहाँ पर दो प्रकार के चरखे की बात कर रहे हैं। एक तो देखिए ये जो चरखा आपको दिखाई पड़ रहा है जिससे धागा बनाया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो गांधी जी का हृदय है उसको भी कवि ने चरखा बताया है। तो देखिए उर के मतलब हृदय के चरखे, यानी गांधी जी का जो हृदय है वो भी एक प्रकार का चरखा है, ऐसा कवि कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कात, देखिए धागा जब बनाया जाता है तो उसको कातना कहते हैं, धागा कातना, यानी कात का मतलब हो गया बनाना, कातना मतलब बनाना, ठीक है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा बारीक पतला, कोई भी एक शब्द ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। युग, युग देखिए युग युग मतलब युगों युगों का, युगों युगों का। तो देखिए युग युग दो बार आया है, तो यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ठीक है, युगों युगों का। विषय जनित, देखिए विषय जनित का मतलब है विषय वासना द्वारा उत्पन्न, विषय वासना द्वारा उत्पन्न। देखिए विषय वासना का मतलब भोग के द्वारा, आप जो सुख सुविधा भोगने की इच्छा रखते हैं तो वही ठीक, ठीक है, वही चीज। विषाद, विषाद माने दुख, विषाद माने दुख, कष्ट, पीड़ा, चाहे जो कह लीजिए, ठीक है। गुंजित, गुंजित मतलब गुंजायमान, गुंजायमान कर दिया, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गगन, गगन माने आकाश, गगन माने आकाश। जग का, जग का मतलब संसार का, आप इसको धरती भी कह सकते हैं, संसार का यानी बदल के आप धरती कर लेंगे, जब इसको धरती कर लेंगे तो हो जाएगा धरती और आकाश, ठीक है। भर मतलब भर कर, भर कर, क्या भर कर हम लोग व्याख्या में देखेंगे, ठीक है। तुमने, तुमने ये बापू के लिए आया है कि हे बापू तुमने, हे गांधी तुमने। आत्मा का निनाद, देखिए आत्मा का मतलब आत्मिक, आत्मा का मतलब आत्मिक, वैसे आप आत्मा का भी कह सकते हैं। निनाद, देखिए निनाद का मतलब होता है संगीतमय आवाज, संगीतमय गूंज, संगीतमय गूंज, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि संगीत कहाँ बजता है, जहाँ पर खुशियाँ होती हैं, तो यानी खुशियों की आवाज़, खुशियों का संगीत, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। रंग रंग, रंग रंग मतलब रंग कर, रंग रंग मतलब रंग कर, यहाँ भी दो बार आया है और अर्थ एक ही है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश है, रंग रंग। खद्दर, खद्दर माने खादी, ये कपड़े का एक प्रकार है, एक वैरायटी है, जैसे आप टेरिकॉट पहनते हैं, टेरिक और सूती पहनते हैं, तो खादी, ठीक है, खद्दर। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्रों, सूत्रों मतलब धागों, धागों में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नव मतलब नया या नवीन, नया या नवीन। जीवन, जीवन मतलब जीवन में, जीवन में। आशा, आशा सरल है, आशा उम्मीद आप समझ ही रहे हैं, तो आशा अपने आप में सरल है। स्प्रह आह्लाद, स्प्रहालाद मतलब स्प्रह आह्लाद, इसका मतलब होता है इच्छा और प्रफुल्लता या इच्छा और उल्लास। इस आह्लाद का मतलब जो है प्रसन्नता, उत्फुल्लता होता है, तो इच्छा और प्रफुल्लता, इच्छा और उल्लास, चाहे जो आप कह सकते हैं।
मानवीय मतलब मनुष्य के लिए आया है कि मानवीय, ठीक है। कला के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कला के मतलब एक तरह से यहाँ पे कुशलता से है, जो उसके अंदर कुशलता है, जो एक काम करने की कुशलता है, कला है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। सूत्रधार, सूत्रधार का मतलब होता है निर्माता या प्रारंभ करने वाला, प्रवर्तक, जिसने किसी काम को शुरू किया हो, सूत्रधार, ठीक है। हर लिया, हर लिया माने दूर कर दिया, दूर कर दिया। यंत्र कौशल, यंत्र कौशल मतलब यंत्रों की कुशलता, यंत्रों की कुशलता। प्रवाद, प्रवाद का मतलब चुनौती, प्रवाद माने चुनौती, जिसको आप चैलेंज बोलते हैं, तो चुनौती, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन देखिए व्याख्या से पहले हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के लिखेंगे, यदि साइंस के हैं तो आप सामान्य हिंदी के लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी के काव्य खंड में संकलित बापू के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांधी जी को जगत की आत्मा का परिष्कार करने वाला। परिष्कार करने वाला का मतलब होता है स्वच्छ करने वाला या शुद्ध करने वाला, ठीक है। परिष्कार करने वाला तथा मानवीय कला का सूत्रपात करने वाला बताया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को दो बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे, मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, आपने दो तरह के चरखे चलाए, दो तरह के चरखों को महत्व दिया और दोनों प्रकार के चरखों से संपूर्ण मानव को सुखी किया। कहते हैं कि पहला चरखा आपने लकड़ी का चलाया और उस लकड़ी के चरखे को चला करके आपने लोगों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म में लगे रहने की सीख दी। यानी आपने लोगों को बताया कि अपनी भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि हे बापू, दूसरा चरखा आपने हृदय रूपी चरखा चलाया और लोगों को अध्यात्म का ज्ञान दिया, यानी आपने लोगों को सत्य, अहिंसा और त्याग का संदेश दिया। उसके द्वारा जो मानव के हृदय में विषय वासनाओं द्वारा उत्पन्न दुख था, यानी मैं कितना धन इकट्ठा कर लूँ, कितना सुख सुविधा भोग लूँ, इसके कारण जो दुख था, हे बापू आपने हृदय रूपी चरखा चला करके उसको भी दूर कर दिया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कवि कैसे कह रहे हैं। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी बापू जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। ये कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे बापू, आपने चरखे को महत्व देकर लोगों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
कर्म में लगा रहना ही केवल नहीं सिखाया, बल्कि आपने अपने हृदय रूपी चरखे में सत्य, अहिंसा और त्याग के सूक्ष्म धागे बनाकर, अर्थात लोगों को सत्य, अहिंसा और त्याग का संदेश देकर, युगों युगों से जो उनके हृदय में विषय वासना द्वारा उत्पन्न दुख था, उसको भी दूर कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। कहते हैं कि हे बापू तुमने सत्य, अहिंसा और त्याग की पवित्र गूंज से उत्पन्न जो आत्मिक संगीत था, उसको भर करके संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। हे बापू, आपने सत्य, अहिंसा और त्याग का जो पवित्र का पवित्र गूंज थी, उससे उत्पन्न जो आत्मिक संगीत था, उससे आपने संपूर्ण धरती को, आकाश को गुंजायमान कर दिया। यानी उनके कहने का मतलब है, आपने संपूर्ण मानव को सुखी बना दिया। आगे क्या कहते हैं, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्प्रह आह्लाद। कहते हैं कि हे बापू, आपने खादी के धागों को रंग करके केवल खादी के वस्त्रों को ही नहीं रंगा, बल्कि आपने मानव जीवन में नवीन आशा, इच्छा और प्रफुल्लता का भी संचार किया। आगे क्या कहते हैं, मानवीय कला के सूत्रधार। आगे कवि कहते हैं कि हे बापू, आप मानवीय कला के प्रवर्तक हैं, अर्थात आप मानवीय गुणों के सूत्रधार हैं। कैसे, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। हे बापू, आपने मानव कार्य को महत्व देकर, मानव को कर्म में लगे रहने की शिक्षा देकर के जो यंत्रों के कौशल की चुनौती थी, उसको समाप्त कर दिया। यानी यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य है कि लोगों के मन में जो ये बात थी कि जो यंत्र हैं, जो मशीनें हैं, वो अच्छा काम करती हैं, उसके आगे मनुष्य का कोई मोल नहीं है, मनुष्य के कार्य का कोई मोल नहीं है। हे बापू, आपने मानवीय गुणों को पहचान करके, उनके प्रवर्तक बन करके उन मशीनों की चुनौती को भी समाप्त कर लिया। हर लिया मतलब समाप्त कर लिया। देखिए, यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी बापू जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि आपने अपने, अब आ जाइए पद्यांश पर, आपने अपने हृदय के चरखे में सत्य और अहिंसा रूपी सूक्ष्म धागे बनाकर, अर्थात लोगों को सत्य और अहिंसा का संदेश देकर, युगों युगों से उनके हृदय में विषय वासना द्वारा उत्पन्न दुखों को दूर कर दिया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे बापू, तुमने सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत को भर कर संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे बापू, आपने खादी के धागों में रंग चढ़ाकर, अर्थात खादी को रंग कर न केवल खादी के वस्त्रों को रंगा, अपितु आपने मानव जीवन में नवीन आशा, इच्छा
और प्रफुल्लता का संचार कर दिया। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे बापू, आप मानवीय कला के सूत्रधार हैं, अर्थात आपने मानवीय कला का प्रारंभ किया और यंत्रों की कुशलता की चुनौती को समाप्त कर दिया। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो शांत रस है, ठीक है। यदि छंद की बात की जाए तो यह स्वच्छंद छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में दो मुख्य अलंकार हैं, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, ठीक है। शैली इस पद्यांश की गीतात्मक मुक्तक है। गुण इसमें ओज है। और यदि शब्द शक्ति देखी जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पर प्रश्न की सूचना पढ़ लेते हैं कि प्रश्न आखिर पूछता कैसे है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न इसमें से भी आ सकते हैं जो मैंने लिए हैं, इसके बाहर से भी आ सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर 50 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सबको अच्छे से समझ लिया है तो आप अपने से सोच करके उसका उत्तर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने 5 प्रश्न लिए हैं उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संचालित चरखा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसका उत्तर है, गांधी जी द्वारा संचालित चरखा आंदोलन के परिणाम स्वरूप युगों युगों से विषय वासना जनित सभी विकार समाप्त हो गए, सभी दुख समाप्त हो गए। साथ ही चरखा चलाकर गांधी जी ने मानवीय श्रम को महत्व दिया, ठीक है। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंग रंग खद्दर के सूत्रों, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये कविता की लाइन है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो मैंने बताया है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्ति में रंग रंग शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण, 2 बार आने के कारण, पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप उत्तर डालेंगे, इसका उत्तर आपको संदर्भ से मिल जाएगा। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत एवं शीर्षक का नाम बापू के प्रति है, ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संप्रेषित सत्य और अहिंसा के मार्ग का क्या प्रभाव पड़ा। यानी यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि गांधी जी ने जो लोगों को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया उसका क्या परिणाम हुआ। तो देखिए उत्तर डाल के आप लिखेंगे, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रभाव से संपूर्ण धरती और आकाश आत्मिक संगीत की पवित्र गूंज से गुंजायमान हो गया, ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न पर देखते हैं। 5वां प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे,
रेखांकित अंश की व्याख्या डैश डालेंगे। और शुरू में देखिए, मैंने जब व्याख्या की थी तो आपको जैसे बताया था कि इतना आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, उतना आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे और उसके बाद जहां कहीं भी लाइन रहेगी उतनी की व्याख्या आप कर देंगे। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।